हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट आज सुबह ठीक 10:15 पर खोल दिए गए। सबसे पहले कीर्तन और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र पुस्तक को हेमकुंड साहिब के गुरुद्वारे में विराजमान किया गया। उसके बाद इस वर्ष की पहली अरदास पढ़ी गई। विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालु ने हेमकुंड में माथा टेक कर परिवार की खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह से प्रार्थना की। इस दौरान लगभग 9,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब पहुंचे। इस बार हेमकुंड साहिब में लगभग 3 किलोमीटर तक बर्फ की गलियां बनाई गई हैं। हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 से 15 फीट बर्फ जमी हुई है, जबकि पैदल रास्ते पर 6 से 8 फीट बर्फ जमी है। टीम यूके लाइव।